अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। दिस इज़ मोहम्मद शारिक फ्रॉम प्रिंटिंग सॉल्यूशन। अच्छा, बेसिक कोर्स हमारा चल रहा था जिसमें हमने डिस्कस किया था सबसे पहले कि कार्ड्स किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए कौन से टाइप चाहिए, कौन सी प्रोसीजर से गुजरता है कोई भी प्रोडक्ट बनने के लिए। सेकेंड है आपका जो हमने डिस्कस किया कि कौन कौन से टाइप के कार्ड होते हैं जो बेसिकली प्रिंटिंग में यूज़ किए जाते हैं। आज उन्हीं से एक कार्ड जिसमें से आर्ट कार्ड था, उनमें से एक कार्ड हम यूज़ कर रहे हैं और उसकी डिटेल पढ़ेंगे आज इंशाल्लाह। तो उसकी डिटेल शुरू करते हैं, ठीक है। अच्छा, आर्ट कार्ड मैंने आपको सैम्पलिंग में दिखाया था, एक दफ़ा फिर दिखा देता हूँ। बेसिकली आर्ट कार्ड इस टाइप का होता है, ठीक है। ये ग्लॉसी है, दोनों तरफ से ग्लॉसी होगा, एक ही जैसा होगा, ठीक है। चिकना होगा, बेसिकली स्लिपरी बोथ साइड, ठीक है। अब इनकी ग्रामेज नोट कर लेते हैं, ठीक है। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो प्रिंटिंग हवाले से, अगर आप कोई काम प्रिंटिंग के हवाले से काम शुरू करना चाह रहे हैं या प्रिंटिंग की लाइन में आना चाह रहे हैं, तो इसके लिए आपको इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी बहुत फ़ायदा देंगी और आपको कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता बहुत आसानी से। या कोई चीज़ आपको चीज़ बनवाते हैं और वो आपको बोलता है कि मैं आर्ट कार्ड में बनाऊँगा, बनाता वो बक्स बोर्ड में, तो उसको पकड़ने के लिए आपके लिए ये इन्फॉर्मेशन बहुत काम आएगी इंशाल्लाह। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा ताकि मेरी नई वीडियोस मिलती रहें। अच्छा, शुरू करते हैं, ठीक है। अब हम शुरू करते हैं, ये है आर्ट कार्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल बोथ साइड ग्लॉसी, ठीक है। अच्छा, सेकंड हम लेके आते हैं, ठीक है, ग्रामेज है। अब इसकी ग्रामेज की डिस्कस कर लेते हैं। ग्रामेज में 150 ग्राम आता है, 150 ग्राम। अच्छा, बेसिकली लोग 150 ग्राम को जो है ना वो पेपर में भी यूज़ करते हैं, एज अ कार्ड भी यूज़ करते हैं। पार्टी की वो रिक्वायरमेंट होती है, यार आप पेपर कार्ड हल्का कर दो, हमें आर्ट कार्ड में ही चाहिए, हमें क्या नाम है कॉस्टिंग कम चाहिए, तो लोग ग्रामेज के हिसाब से फिर चलते हैं, ठीक है। अब आप 400 ग्राम के जो रेट मिलेंगे वो आपको 150 ग्राम में तकरीबन आधे तक का फ़र्क है, उससे ज़्यादा का भी फ़र्क मिल सकता है, क्योंकि ये जो माल है जितना भी कार्ड बिकता है मार्केट में टोटल ओवरऑल वो वेट के हिसाब से बिकता है। आपको कॉस्टिंग आनी चाहिए, वेट की कॉस्टिंग, वो भी मैं आहिस्ता आहिस्ता बताऊंगा कि एक कार्ड की कॉस्टिंग किस तरह निकाली जाती है और पेपर की कॉस्टिंग किस तरह निकाली जाती है। आप कहीं पे बैठ के किसी भी वक्त हाथ के हाथ रेट मालूम करके कि भाई आज ये केजी चल रहा है, तो आप हाथ के हाथ उसकी कॉस्टिंग लगाएंगे और आपको पता चल जाएगा कि कार्ड कितने का आ रहा है, ठीक है। अच्छा, पहले जो है वो पहला नंबर है 150 ग्राम। 150 ग्राम बेसिकली पेपर पे भी यूज़ होता है और कुछ लोग पेपर बना के बेचते हैं, कुछ लोग कार्ड बना के बेचते हैं। अब ये उन पार्टी की रिक्वायरमेंट होती है वो किस तरह एक्सेप्ट कर ले। अच्छा, सेकंड है 210 ग्राम। 210 ग्राम बेसिकली रिफ्लेट जो आपके क्या नाम फ्लायर्स होते हैं और जो आपके क्या नाम ये जो मेडिकल वाले यूज़ करते हैं इसको फ्लायर्स वगैरह बांटने के लिए, उसमें यूज़ होते हैं। 250 ग्राम भी वो यूज़ करते हैं। 300 ग्राम में बॉक्सेस ज़्यादा बनते हैं, ठीक है। और टाइटल्स होते हैं कॉपी के, बुक के टाइटल, किसी भी बुक अच्छी क्वालिटी में, किसी भी आप उसकी किसी भी उसको जैसे किसी उसमें जाते हैं, होटल्स में जाते हैं, होटल्स में जाके अगर आप देखेंगे कि बोथ साइड ग्लॉसी है इस तरह का, तो बोथ साइड इस तरह ग्लॉसी है, तो समझ लीजिए वो आर्ट कार्ड उसने लगाया। अब उसकी ग्रामेज जो है वो आप अंदाजन हाथ लगाएंगे तो आपको अंदाज़ा होगा। एक दफ़ा जब आप 150 ग्राम, 210 ग्राम, 300, 400 तो पकड़ेंगे तो आपको फिर आइंदा अंदाज़ा हो जाएगा कि ये किस तरह है। कोई मुश्किल नहीं है, आप इसको देखेंगे ईजीली आप इसको कैरी कर सकते हैं, इसको कैच कर सकते हैं कि भाई ये कार्ड ये ग्राम का लगा हुआ है, ठीक है। अच्छा, 300 ग्राम बेसिकली मैंने आपको बताया टाइटल्स में यूज़ होता है, जो बुक्स के टाइटल्स होते हैं, जो क्या नाम है अल्लाह आपको अपला करे, जो कंपनीज़ बेसिकली काम कराती हैं वो आर्ट कार्ड में कराती हैं, क्योंकि आर्ट कार्ड की फिनिशिंग अच्छी है, क्वालिटी अच्छी है, रिज़ल्ट अच्छा है, प्रिंटिंग में जमाव अच्छा आता है, जिसे कहते हैं कि क्वालिटी में बहुत फाइन क्वालिटी आती है, क्योंकि इसमें जो ग्लॉसी की वजह से ना हल्का सा बुरादा जो है निकलता है साइडों से, वो इसको नुकसान नहीं करता। बक्स बोर्ड में इसमें बहुत शिकायत है क्योंकि उसकी जो फिनिशिंग होती है फ्रंट की वो क्लियर नहीं होती। ब्लीच कार्ड बहुत बेहतर है, ब्लीच कार्ड अच्छा भी है और बेहतर भी है। आर्ट कार्ड और ब्लीच कार्ड जो ज़्यादातर फैंसी कामों में यूज़ होते हैं वो आर्ट कार्ड और ब्लीच कार्ड है। अच्छा, फोर्थ जो है वो 300 ग्राम था। अब हम जाएंगे फिफ्थ पे। फिफ्थ बेसिकली जो यूज़ किया जाता है ये टाइटल्स में बहुत यूज़ किया जाता है, और टाइटल्स और विजिटिंग कार्ड में लोग बहुत डिमांड करते हैं कि यार मोटा होना चाहिए। उसमें तो आप 350 ग्राम चला सकते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट है, बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट है। 400 ग्राम बहुत ही कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी बंदा है कि वो बोलता है नहीं बहुत ही ज़्यादा VIP चाहिए, तो ये उस चीज़ को यूज़ करता है, क्योंकि कॉस्टली बहुत ऊपर होता है तो बंदा बोलता है नहीं यार मुझे तो चीज़ चाहिए, जो बोलते हैं भाई मुझे पैसों का मसला नहीं, मुझे आइटम चाहिए अच्छा, तो वो ये यूज़ कर सकता है। अच्छा, ये हो गया कार्ड। अब हम आएंगे साइज़ में। अच्छा, इनमें साइज़ आते हैं 23, 36, 27, 25, 36, 27। ये 25 बाई
36 इंच की शीट होती है, ठीक है, पैकेट से सिलाते हैं, 100 का पैकेट होता है, कार्ड में हमेशा 100 का पैकेट होगा, पेपर में हमेशा 500 का पैकेट होगा, कार्ड में हमेशा याद रखिएगा 100 का पैकेट आता है, 23-36 का एक पैकेट आता है, ठीक है, 23-36 का, फिर 25-36 का, ये साइज़ होते हैं, 25-36 की शीट का 100 का पैकेट, 25-30 का 100 का पैकेट, 30-40, 30-50 का 100 का पैकेट, इसी तरह 100 के पैकेट बनाते हैं, 31-43 स्टैंडर्ड साइज़ हैं, ये सारे स्टैंडर्ड साइज़ हैं, इसमें इजीली आपकी बहुत आराम से बुके वगैरह सब बन जाती हैं, बहुत स्टैंडर्ड साइज़ हैं, इनमें आपको डिवाइड करना है, ये भी मैं आपको ये बताऊंगा इंशाल्लाह कि साइज़ किस तरह निकाला जाता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे 30-40, 30-40, अच्छा 20-30 और 30-40 दो कहते हैं यार एक ही है, सिर्फ 2 इंच 20 इंच का तो फ़र्क है, वो इधर से पकड़ लो उधर, लेकिन ये अलग अलग है बेसिकली, क्यों, क्या वजह है, वजह ये है कि कार्ड की जो थिकनेस हार्डनेस होती है एक साइड से होती है और एक साइड वो नरम होता है, मकसद ये देखें ये नरम है, ठीक है, बिल्कुल ईजीली हो रहा है, अब इसको मैं ऐसे फ्लक कर रहा हूँ ना, फ्लक ये हार्ड है, ठीक है, ये हार्डनेस होती है, इसे कहते हैं ग्रेन, जो हार्डनेस होती है ना ग्रेन किस साइड पे, ये ग्रेन है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां ग्रेन की वजह से सही माल को रिजेक्ट कर देती हैं, क्योंकि उनकी मशीनें उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करती, उस हार्ड ग्रेन को एक्सेप्ट नहीं करती, अगर नरम गिरा जाए तो ऑटोमेटिक मशीनें आपकी माल को मल्टीनेशनल जो कंपनीज हैं, जो इनको क्या नाम है कंटिन्यू, जो मशीनरी से बेसिकली मशीन से काम करती हैं, हैंडली वर्क नहीं है उनका, टोटल मशीन का वर्क है, तो उन्होंने क्या नाम है इस चीज़ को वो किया है, क्या नाम है, उनके लिए ग्रेन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये बहुत पॉइंट की बात है, याद रखिएगा, बड़ी कंपनीज ग्रेन को बहुत फॉलो अप लेती हैं, ये याद रखिएगा, तो 20-30 और 30-40 दोनों के ग्रेनों में फ़र्क आएगा, 110% फ़र्क है, जब ही इसका नाम 20-30 अलग रखे गया, 30-40 अलग रखे गया, कि इनके ग्रेनों में फ़र्क है, लोग इसीलिए पूछते हैं भाई, कभी हम मार्केट में जाएंगे तो हम बोलेंगे भाई 30-40 दे दो, तो वो 30-40 के हिसाब से ग्रेन देगा, अब हम 40-30 बोलेंगे ना तो उसका ग्रेन उसके हिसाब से होगा, वो हमें बोलेगा नहीं भाई 30-40 नहीं 40-30 है, तो ग्रेन में फ़र्क आ गया वाज़े, ठीक है। अच्छा नंबर 8 पे आ जाएं, 27-34 ये सब स्टैंडर्ड साइज़ हैं, बहुत ज़बरदस्त साइज़ हैं, हर वो मार्केट लाइन में जितने भी प्रोडक्ट्स जो लॉन्च किए जाते हैं उनमें ज़्यादातर जो भी बॉक्सेस वगैरह XYZ जो आप मटेरियल्स यूज़ करते हैं उसमें आपको किताब में, जब मैं एक दफ़ा आपको इंशाल्लाह साइज़ निकालना सिखाऊंगा तो फिर आप खुद बखुद किसी भी मटेरियल को उठा के ऑटोमेटिकली आप साइज़ निकाल सकते हैं कि यार मुझे तो ये साइज़ सूटेबल है, कि आसान से इसमें से मेरा वेस्टेज भी नहीं होगा, और क्योंकि ये सारे साइज़ इसलिए निकाल अलग अलग हैं कि भाई आपका सूटेबल साइज़ है, कि आप एक क्या नाम है भाई मुझे ये साइज़ चाहिए तो मुझे उसमें वेस्टेज नहीं चाहिए, वेस्टेज होगी तो आपके वो कॉस्ट में शामिल करेगा, कोई भी बॉक्स कोई भी मटेरियल वो आपका यूज़ करेगा तो आपके कॉस्ट में शामिल करेगा उसका, उससे वो आपकी ये नहीं है कि वो वेस्टेज अपने पास रख लेगा, वो कॉस्ट आपको पेड करनी पड़ेगी। चलें ये होगा साइजेस, फिर इसमें एक चीज़ बड़ी पॉइंट की है वो ये है कि लोगों की क्वांटिटी जो आती है ना बड़ी क्वांटिटी बल्क क्वांटिटी में जो मटेरियल छपता है लाखों के हिसाब से, लाख शीट 1 लाख शीट तो 100 पैकेट 100 का एक पैकेट होता है, अब 10 पैकेट 1000 का हो गया, 10,000 का 100 पैकेट हो गया, 1000 पैकेट चाहिए। अब होता ये है कि प्रिंटिंग लाइन में रील्स आती हैं, रील्स कहते हैं जैसे आप किसी भी रील को आप समझते हैं वो जैसे कैसेट आपने देखोगे उसके अंदर रीलें होती हैं, इस तरह पूरा एक रील आती है प्रॉपर साइज़ की, भाई हमें 18 इंच का साइज़ चाहिए, 18 बाई 11.5, अब 18 इंच का रील है उससे भाई पूछा 18 इंच है, हाँ भाई 18 इंच की रील है मेरे पास, तो वो काटेगा 18 इंच बाई 11.5 या फिर 18:23 आपको काट के देगा, इस तरह वो आपकी कॉस्ट में भी फ़र्क देता है, क्योंकि उसकी क्या नाम है ये पैकेट पैक माल होता है और जो 100 का पैकेट आता है, और ये जो रील होती है वो अलग सेपरेट होती है, उसकी कॉस्ट में काफ़ी फ़र्क आता है। चलें वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट कार्ड के साथ, थैंक यू।